लोगों ने बाइक्स यहाँ पे पार्क कर दी हैं और आ गए हैं छोटी वाला। अब आगे वीडियो में, अभी हम लोग टहल रहे हैं मुरादाबाद की गलियों में, कह सकते हैं अमीनाबाद आ गए हैं लखनऊ का। तो ये देखिए पूरे पूरे इतने खतरनाक पेड़ गिरे हुए हैं। बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द व्लॉग एंड अ वेरी गुड गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश। सो अभी टाइम हो रहा है बेसिकली, मैं बता देता हूँ एक मिनट। ओ तेरी की, बाइक रोक के टाइम बताना पड़ेगा लग रहा है। टाइम बताओ भाई जरा। तो अभी टाइम हो रहा है 12 और हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मण झूला की तरफ। वैसे मैंने कहा था आप लोग से लास्ट व्लॉग में कि मैं शुरू करूंगा होटल से, लेकिन होटल से नहीं शुरू कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं रोड से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि क्या रोज़ रोज़ होटल दिखाऊँ। होटल कोजी था, अच्छा था, बस थोड़ी सी सर्विसेज नहीं अच्छी थी, एसी नहीं वर्क कर रहा था सही से। बाकी 1000 रुपीज़ में मिला था हम लोगों को और 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा मैट्रेस के पड़े थे, मतलब ओवरऑल 1300 का हम तीनों लोगों के लिए रूम मिला था। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं डायरेक्ट लक्ष्मण झूला पे। ये है लक्ष्मण झूला के पास की मार्केट और यहाँ पे लिखा हुआ था आगे वाहन ले जाना सख्त मना है, लेकिन मैंने देखा सारे वाहन जा रहे हैं तो हम लोग भी ले आए। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है अब। तो हम लोग लगभग पहुँच गए, तो चलिए देखते हैं। और ये पुलिस वाले भैया ने रोक लिया इनको बिना हेलमेट के। और यहीं पे ऋषिकेश का, मतलब ऋषिकेश का वर्ल्ड फेमस चोटी वाला रेस्टोरेंट। वैसे मैं आपको बताना भूल गया, आप लोग ये RS तो जानते ही हैं किसकी है, तो और जो कोई नहीं जानता मैं उनको बता दूँ, ये सूरज वर्मा लीगल बंजारा की RS है। वो आराम कर रहे हैं रूम में, तो हम लोगों ने सोचा तब तक हम लोग घूम के आते हैं। तो ये है लक्ष्मण राम झूला। सब लोग यहाँ पैदल जाते हैं और हम लोग बाइक से, तो इसीलिए जाम में फंस गए हैं। और वो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं घाट है जहाँ पे लोग नहाते हैं, मतलब गंगा में नहाते हैं। तो चलिए चलते हैं उधर भी और देखते हैं, अगर मूड होगा तो नहाएंगे भी। तो वैसे मूड क्या होगा, नहाएंगे तो है ही है। लोगों ने बाइक्स यहाँ पे पार्क कर दी हैं और आ गए हैं छोटी वाला, कुछ ना कुछ खाएंगे। और वो देखे बैठे हुए हैं छोटी वाले महाराज और यहाँ पर कुछ ना कुछ खाएँगे, दो हैं, देखते हैं किस में जाएंगे। सो फाइनली हम लोगों ने खा लिया है छोटे वाले भैया के यहाँ से खाना, एक एक रसमलाई खाई है, भैया के लिए एक पैक भी करा ली है और डोसा खाया है, इडली खाया है। और नाउ इट्स टाइम टू मूव, चलिए चलते हैं। बाकी ये दो रेस्टोरेंट्स हैं, शायद दोनों भाई के हैं, मतलब कि दो भाई, उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट खोल दिया है, तो मे बी ऐसा हो सकता है, मतलब ब्रांच एक ही है दोनों। देख लीजिए कितना रश लगा हुआ है सिर्फ फोटोज़ क्लिक करने के लिए उनकी। और ये तो बैठ के सो गए भैया, इतने मस्त आराम से सो रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं होटल की तरफ और फिर प्लान करते हैं निकलने के लिए लखनऊ के लिए वापस। यहाँ से 11 आवर्स का रास्ता दिखा रहा है, देखते हैं कि हम लोग को कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। निकल चुके हैं और अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लखनऊ की तरफ और एस्टिमेटेड अराइवल टाइम दिखा रहा है 1:45, लेकिन कोशिश करेंगे 12 बजे तक पहुंच जाएं बिना रुके चलते रहें, क्योंकि और सब खाना आना तो खा चुके हैं, बस अब सिर्फ और सिर्फ चलना है और ना ही कहीं रुकना है ना ही कहीं कुछ करना है। और अभी मैं चला रहा हूँ सूरज भैया की बाइक और शाश्वत और सूरज भैया एक बाइक पर आ रहे हैं पीछे पीछे। तो चलिए चलते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो फ्यूलिंग हो गई 2310 रुपये, 2310 रुपीज़ का दोनों बाइक्स में आया फ्यूल और टैंक फुल, एंड नाउ इट्स टाइम टू रोल। तो अभी हम लोग जैम में फंस चुके हैं और गूगल मैप तो इसे जैम नहीं दिखा रहा है, या मे बी शायद ट्रैफिक कॉप्स ने रोक रखा हो आगे थोड़ा सा क्लियर कराने के लिए। और उधर भी कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो शायद इसलिए भी इतना सब कुछ हो। और
और भैया की जैकेट तो कुछ ज़्यादा ही मुझको गर्म कर रही है, एकदम मैं पसीना फेंक रहा हूँ। लेकिन चलो कोई नहीं, राइडिंग जैकेट का मज़ा लेना था, भैया ने कहा लेना है, हमने कहा लेना है, मैंने बस इसी बात पे दे दिया है और अब मैं झेल रहा हूँ। और अब भैया को वापस भी नहीं कर सकता, वापस करूँगा तो कहेंगे कि बस हो गया, तो इसीलिए बिल्कुल वापस नहीं करना है और इसी को पहन के आज पूरे रास्ते चलाना है गाड़ी, दिखा देना है कि आज हम लोग भी जैकेट पहन के चला सकते हैं बाइक को। और थोड़ा जैम से क्लियर करने के लिए रॉन्ग साइड ली, और कुछ ज़्यादा ही रॉन्ग साइड जा रहे हैं सब लोग, उस लड़की के पीछे पीछे जा रहे हैं, वो आगे बिना हेलमेट के जा रही है, बस उसी के पीछे पीछे हम लोग भी जा रहे हैं। ब्यूटीफुल सीनरीज ऑन द रोड, और आप लोग देख सकते हैं उत्तराखंड टूरिज्म ने कितनी सारी सीनरीज बना रखी हैं, कहीं महाभारत की, कहीं पहाड़ों की, और बहुत सारी मस्त मस्त सीनरीज बनी हुई थी। और अब एक हाईवे भी आ चुका है मस्त सा, तो अब हम लोग स्पीड मेंटेन कर रहे हैं 70-80 की, क्योंकि इससे ज़्यादा स्पीड नहीं कर सकते। सो फाइनली गाइज हम लोग हरिद्वार पहुंच गए। ये हरिद्वार है, ये शंकर जी की मूर्ति है, आप लोगों ने बहुत सारी रील्स में, फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में देखी होगी, आज आप लाइव देख सकते हैं इसको। और ये हरिद्वार हर की पौड़ी है ये, और अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे वीडियो में, अब आ गए वो वीडियो में, अपलोड हो गई है ये भाई लगभग 7 दिन बाद। अरे भाई 100% यार, क्या नाम है छोटू? हाँ असद, और तुम्हारा भाई असद और रोहान, दोनों की वीडियो पक्का आएगी। अरे भाई तू रियाज की वीडियो आएगी पक्का, बस आप भाई, ओके भाई ठीक है छोटू। हाँ अरे भाई जरूर, ओके ब्रो बाय बाय। सो अभी यहाँ पे कुछ भाई लोग मिल गए, पूछ रहे थे यूट्यूब चैनल के बारे में, आप लोगों ने सुनी लिया होगा बाकी बातें। और भैया तो निकल गए कार से, उनको मिल गई कार, उन्होंने कहा इतनी गर्मी नहीं झेल पाएंगे भाई, कार से ही आ जाएंगे। तो चलिए सही है, हम ही लोग गर्मी झेल रहे हैं। सो फाइनली हम लोगों ने उत्तराखंड क्रॉस करके उत्तर प्रदेश में एंट्री ले ली है, और इस समय हम लोग बिजनौर में, तो बिजनौर में इस समय हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, और अभी भी 466 किलोमीटर्स लेफ्ट आउट है, 9 hours 33 minutes एस्टिमेटेड टाइम 146 फिर से हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने अभी थोड़ा सा रेस्ट लिया, आपने देखा वो 4-5 लोग मिले थे। अभी अभी पता चला है, मम्मी का कॉल आया था, तो मम्मी बता रही है कि लखनऊ में आंधी आ रही है बहुत तेज़, मतलब वहाँ पे भी टेम्परेचर सही है और यहाँ पे भी हल्की हल्की हवा चल रही है, तो इससे हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हो रही, ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है। और बस 18 किलोमीटर बाद हम लोग मुरादाबाद पहुँच जाएंगे, और टाइम हो गया है 6:06 बज गया है, और अभी हम लोग मुरादाबाद नहीं क्रॉस कर पाए, मतलब टाइम से स्लो चल रहे हैं, लेकिन चलिए कोई नहीं, तेज भगाएंगे और जल्दी से पहुँच। अभी हम लोग टहल रहे हैं मुरादाबाद की गलियों में, कह सकते हैं अमीनाबाद आ गए लखनऊ का, लेकिन निकलने की कोशिश नहीं निकल पाए, फिर से करनी पड़ेगी। ये साइड नहीं दे रहा है। सो फाइनली हम लोगों ने लगभग मुरादाबाद क्रॉस कर लिया है, इतना जाम, लेकिन तब भी 15 मिनट में क्रॉस कर लिया है हम लोगों ने, कुछ ज़्यादा ही कट्स वट्स मार के, आप लोग समझ ही सकते हैं कैसे एकदम चलाया होगा हम लोगों ने जल्दी के लिए। सो गाइस हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे थोड़ा सा खाने के लिए, दिल्ली पंजाब ढाबा एंड रेस्टोरेंट पे, चाय पिया, बिस्किट खाए, पानी पिया, और नाउ इट्स टाइम टू लीव। तो ये यहाँ पे क्लियरिंग हो रही थी, और यहीं पर शायद पेड़ गिरा हुआ है और इसी वजह से जाम लगा हुआ था पीछे, और ये देखिए यहाँ पर भी एक पेड़ गिरा हुआ है, अब NHAI का ये क्रेन हटाएगा। तो ये देखिए पूरे इतने ख़तरनाक पेड़ गिरे हुए हैं, और इसी वजह से NHAI क्लियर करवा रही है। चलिए आगे आ गए अब तो हम लोग, एक बार फिर से रन लेते हैं अपना, और थोड़ा कोशिश करेंगे इस साइड रहने की और थोड़ा स्लो चलने की, क्योंकि उस साइड पेड़ गिरे हुए हैं। सो गाइस फिर से टैंक खाली हो गया था, तो फिर से फुल कराना पड़ा एक बार, और टाइम हो गया है 10:10, अभी भी 171 किलोमीटर्स लेफ्ट है, जो कि अभी क्लॉक करना है,
तो चलिए जल्दी से चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो गाइस सिर्फ सिर्फ 10 किलोमीटर अभी हम लोगों ने चला है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के बाद, और रास्ता कुछ इस तरह का है। अभी रास्ता इससे भी ज़्यादा सुनसान हो गया था, हर तरफ पेड़, और ये बस भी नहीं, ये ट्रक भी नहीं दिख रहा था उस समय, सिर्फ रास्ते में सिर्फ हम दोनों ही लोग दिख रहे थे और कोई तीसरा नहीं। टाइम हो गया है 12:41 और हम लोग पहुंच गए लखनऊ। इस समय अलीगंज के आसपास हैं हम लोग, और क्या कहते हैं, लगभग 10 मिनट के अंदर हम लोग पहुंच जाएंगे घर। तो कह सकते हैं कि 12:50 तक हम लोग घर पहुंच जाएंगे। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर रैप अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो शायद ड्रैग हो या कुछ भी हो सकती है, अभी से कोई वो नहीं कर सकते क्या होगा, लेकिन चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और अब अगर पूरी आपने सीरीज़ देखी है तो इस वीडियो को भी देखा होगा, और वीडियो लाइक करिए, लाइक करके ही जाइएगा। और आप कहाँ चाहते हैं नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की हो, तो भी जहाँ की भी होगी, सूरज भैया भी साथ में ही जाएंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग कहाँ की ट्रिप चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और हाँ, चैनल पे अगर न्यू हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।